रखेंगे सब जन, सब जन अपनी आंखों बंद रखेंगे, सब पैना सब प्रा तेरा प्यार है कितना महान, कैसे करूं मैं बयान, तूने अपनी जान लुटा के यीशु, आखिर यीशु हम मुर्दों में डाली है जान, तेरा प्यार है कितना महान, तेरा प्यार है कितना महान, तेरा प्यार है कितना महान, कैसे करूं मैं बयान, तूने अपनी जान लुटा के यीशु, तूने अपनी जान लुटा के यीशु, हम मुर्दों में डाली है जान, तेरा प्यार है कितना महान, कैसे करूं मैं बयान, तेरा प्यार है कितना महान, कैसे करूं मैं बयान, तेरा प्यार है कितना महान, कैसे करूं मैं बयान, तेरा प्यार I'm not afraid to die.
आजादी एंटर करे हे परमेश्वर उस आजादी नू असी ग्रहण कर पाइए असी उस आजादी नू ग्रहण कर पाइए ताकि परमेश्वर असी तेरे समान बन जाइए क्योंकि पिता परमेश्वर तेरे वचन विच लिखा है जिस तरह तुहाडा स्वर्गीय पिता पवित्र है उसी रीति नाल तुसी भी पवित्र होवो हे परमेश्वर सानू अपने समान पवित्र करो अपने पवित्र लहू दे नाल शुद्ध करो असी तुहाडे नाम नू महिमा दे पाइए प्रभु यीशु मसीह दे पवित्र नाम दे विच मंगदे हां तेरा प्यार है कितना महान कैसे करूं मैं बयां तेरा प्यार है कितना महान कैसे हम मुर्दों में ढाले हैं जान तेरा प्यार है कितना महान कैसे करूं मैं बयां सब जन ताली बजाते हैं परमेश्वर के लिए अपने हाथों को ऊंचा उठाते हैं सब जन ताली बजाते हैं जोर से तेरा प्यार है कितना महान कैसे करूं मैं बयां तेरा प्यार है कितना
Yeah.
तूने अपनी जान लुटा के सो गाय सब जान तूने अपनी जान लुटा के सो हम मुर्दों में तेरा प्यार है कितना कैसे मैं तेरा प्यार है कितना महान कैसे उसके घोड़ों को याद करते हुए सब जन और कहते हुए तूने अपनी जान लुटा के यीशु हम मुर्दों में डाली है जान तेरा प्यार है कितना महान कैसे तेरा प्यार कितना महान कैसे करूं मैं बयां सब जन ताली बजाते हैं परमेश्वर के लिए उसके ताली बजाते हैं को बंद करें सब जन यीशु तू मेरी खातिर मरा मेरे नासरी यीशु तू मेरी खातिर मरा है मेरे लिए फिर से जी उठा है खून से तेरे पाई है मैंने अब दी शिफा अब भी शिफा मेरे नासरे अब भी शिफा मेरे नासरे कित खुदा की मर्जी थी यीशु तेरा सूली पे मरना वक्त खुदा की मर्जी थी जान लुटा के तूने दिया है जान लुटा के
आंखें तूने दिया है जीवन नया मेरे नासरी यीशु तू मेरी खातिर करा अपने मुंह से वेलकम करते हो पुत्र आत्मा की सामत को उसकी हुजूरी को पुकारते हुए बोलो पिता की जो भी मैं सुनूं मैं मेरे जीवन में फल लाए वो सुनने के द्वारा उस वचनों के द्वारा आज के दिन आप क्रूस पर चढ़ाए गए और पिता परमेश्वर आप इसलिए क्रूस पर चढ़ाए गए क्योंकि मेरे ऊपर पाप थे और मंदका की शक्तियों से घिरा हुआ था। प्रभु यीशु मसीह आपने हमारी खातिर अपना पवित्र लहू बहाया, हमारी खातिर कोड़े खाएं,
और अपने हाथों के ऊपर, अपने हाथों के ऊपर, अपने पैरों के ऊपर कील ठुकवाए, कील ठुकवाए, ताकि मैं शिफा ले सकूं, ताकि मैं शिफा ले सकूं, ताकि मैं पापों से मुक्त हो सकूं, ताकि मैं पापों से, अंधकार की शक्तियों से दूर हो सकूं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, आपने हमारी खातिर मार खाई, कोड़े खाए, ताकि हम, ताकि हमारा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ मजबूत होने पाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरा वचन बताता है, धन्य वो, धन्य वो लोग जो परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करवाते हैं। हे मेरे पिता परमेश्वर, आज मेरा तेरे साथ मेल मिलाप होने पाए, तेरी आत्मा के द्वारा, तेरे सपुत्र लहू के द्वारा, तेरे कोड़े खाने के द्वारा, तेरे सूली पर चढ़ाए जाने के द्वारा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरा चिल्लाना सुन, मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान लगा, मेरी और अपने कान लगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज मेरी प्रार्थना मेरे जीवन में बहुत बड़ा फल लेके आए। करो अपने हाथ उठा के प्रार्थना, जो जो वर्ड बोले गए हैं वो प्रार्थना को याद करते बोलो। करो करो प्रार्थना करते हुए कि पिता मैं आया नहीं, लाया गया हूँ तेरे दूतों के द्वारा, तेरी ईश्वरी योजना के द्वारा। सामर्थ्य पिता, आज के दिन मेरे पिता आपके क्रूस पर चढ़ाया गया था सामर्थ्य पिता परमेश्वर, पर पिता तू क्रूस में नहीं है, तो क्रूस खाली हो चुका है मेरे पिता परमेश्वर, वो अकेला क्रूस रह गया मेरे पिता, तू जिंदा खुदा है परमेश्वर। ये तो हम उस दिन को याद करते हुए इस मीटिंग को हम कर रहे हैं। क्लियर बोल रखो, थैंक यू जीसस। पिता आज के दिन मेरे पिता तो क्रूस पर चढ़ाया गया था, पर तेरा क्रूस आज भी खाली है मेरे परमेश्वर को, कि तू जी उठा था। ये मेरे पिता हम उस दिन को याद करते हैं मेरे पिता, और मनाते मेरे पिता गुड फ्राइडे को मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, तेरी महिमा के लिए हम याद करते हैं उस कोड़ों को, हम याद करते तेरे पुत्र लहू को, हम याद करते उस कांटों वाले ताज को मेरे पिता, हम याद करते जो तेरे छाती के ऊपर भाला मारा गया था मेरे सामर्थ्य पिता, उन चीजों को हम याद करते मेरे पिता, अपने अपने आंखों के सामने उस छवि को लेके आते मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम याद करते मेरे पिता उस पंच को, टुकड़े को मेरे पिता परमेश्वर के में डिबो कर तेरे होठों को छुआया गया था मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम याद करते मेरे पिता जैसे दो डाकू थे मेरे पिता, तो उनको भी बोला था मेरे परमेश्वर कि तुम मेरे साथ होंगे, और मेरे पिता हम याद करते तूने उन सेनापति को मेरे पिता जो तेरे पर कोड़े मार रहे थे, और तेरे को कांटों का ताज पहनाया गया, जिनको जिन्होंने तेरे हाथों पे कील ठोके गए थे मेरे परमेश्वर, और तूने उनको भी बोला था कि हे पिता इनको माफ कर, इनको क्षमा कर मेरे परमेश्वर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। हे मेरे पिता, तेरे नाम में इतनी दया है, तेरी सामर्थ में इतनी दया मेरे परमेश्वर, आज अपनी दया हमारे पर बरसा मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, अपनी दया को आज बहने दे मेरे सामर्थ्य पिता, जैसे पानी की तरह प्रभु यीशु मसीह पानी कभी देखता नहीं है मेरे किधर को जाता हूँ, उसी तरह मेरे पिता तेरा आत्मा भी कभी देखता नहीं है मेरे प्रभु यीशु मसीह कितना आत्मा किधर को जाता है, हवा किधर को नहीं देखती मैं किधर को जाती हूँ, उसी तरह मेरे पिता तेरा आत्मा है, तेरी सामर्थ्य है प्रभु यीशु मसीह वो किधर को जाता है मेरे सामर्थ्य पिता, आज तेरी आत्मा को बहने दे, आज तेरी सामर्थ को बहने दे प्रभु यीशु मसीह, आज तेरी अनॉइंटिंग को प्रभु यीशु मसीह जबरदस्त बहने दे मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आज एक एक जन के ऊपर प्रभु यीशु मसीह तेरी आत्मा की रूह और तेरी सामर्थ्य तेरा लहू के छिड़काव इनके जीवन में एंटर करे सामर्थ्य पिता परमेश्वर। करो करो प्रार्थना करते हुए क्लीसिया प्रार्थना करने का समय है। हे मेरे पिता, आपने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए कुर्बान किया ताकि वो श्रापित ना हो, ताकि ये दुनिया श्रापित ना हो, ताकि ये फल लेके आए, इसके पाप क्षमा किए जाए मेरे परमेश्वर। आज मेरे पिता तू अपने इकलौते पुत्र को भेजा था मेरे पिता से हजारों साल पहले, और पिता तूने अपना इकलौता पुत्र परमेश्वर से कुर्बान किया था मेरे पिता, और उसकी कुर्बानी के द्वारा मेरे पिता आज हम शिफा पा चुके हैं, आज हम क्षमा पा चुके मेरे परमेश्वर, और तेरे पुत्र लहू के बहाने के द्वारा मेरे पिता आज हम क्षमा पा चुके मेरे पिता, हम शिफा पा चुके प्रभु यीशु मसीह, आपके मुंह बंद नहीं होने चाहिए मेरे पिता परमेश्वर की हजूरी में। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। रिखले रो बो रखो नंबर यंदारा बारा खंडरिया रसुखलो रिखले रो बो रखो याद करो उसकी क्रूस की कथा को,
याद करो उस दिन को जब प्रभु क्रूस पर चढ़ाया गया था और पिता उसने बोला था कि हे पिता मैं अपनी आत्मा को तेरे सामने समर्पित करता हूँ सौंपता हूँ। और उसी समय आकाश में काला बादल आ चुका था, अंधेरी आ चुकी, तूफान भूकंप आ चुके थे और उस मंदिर का पर्दा फट चुका था और वो हैरान हो चुके थे वहां के लोग और वो कहते थे सच में ये परमेश्वर का मसीह पुत्र है, वाकई ये पुत्र है उसका, वाकई ये मसीह प्रभु है। हे मेरे पिता हम तेरे इस बलिदान को याद करते हैं मेरे पिता, आज के दिन तूने वो बलिदान दिया था मेरे पिता हमारे लिए, हम उस क्रूस को याद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, जिस क्रूस के ऊपर मेरे पिता तूने कील ठुकवाए थे अपने हाथों और पैरों के ऊपर, प्रभु यीशु मसीह सर के ऊपर कांटों का ताज पहना था मेरे पिता, उस क्रूस की कथा को हम याद करते हैं मेरे पिता, तेरे मार खाने तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। ओह यस यस होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं आमीन। हिलाओ अपने हाथों को, अपने मन में याद करते हुए उसकी उस बलिदान को, उस कोड़ों को याद करते हुए, उस हजूरी को याद करते हुए, थैंक यू जीसस। लकड़ी पे लटकाना सिरी देने को जिंदगी, लकड़ी पे लटकाना सिरी देने को जिंदगी, वो ही बना था Hallelujah.
याद करते हैं उसकी लकड़ी को, इस लकड़ी को बोल चढ़ाया गया था। गलतियां की गुनाह किए, उस उन गलतियों और गुनाहों के द्वारा मेरे पिता तेरे क्रूस पे चढ़ाया गया। करो करो प्रार्थना करते हो, जो भी आपके वर्ड आपके मन में पवित्र आत्मा डाल रहा है उस वर्ड को याद कर बोलते हुए पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा प्रार्थना करते हुए पिता
उस रोज माल बेच के एक मादा इधर वाली लाइन बहने इधर ले आओ सब मतलब खाली माल बेच के एक मादा उस रोज माल बेच के दस की कमाया मेरा लाल बेच के दस की कमाया हर एक चीज उसने तेथोवारी हर एक चीज उसने किन्ना तेनु रखे उसने किन्ना तेनु रखे अजीज उसने अरदावे खाब ते ख्याल बेच के अरदावे खाब ते ख्याल बेच के दस की कमाया मेरा लाल बेच के मेरा लाल बेच के
उठाते हो फिर से, उसके बलिदानों को याद करते हुए, क्योंकि उसने अपने आप को कितना कैसे कुर्बान किया। याद करो उसकी, उस दिन को, उस बलिदान को, जिस दिन परमेश्वर ने हमारी खातिर अपना कीमती लहू बहाया। आज अगर हमारे सर में थोड़ा सा दर्द हो तो याद आ जाता है कि कितना दर्द हो रहा है। सोचो उसने कितने दर्द सहा होगा अपने ऊपर। याद करो उसकी, उस कुर्बानी को, याद करो उस कुर्बानी को, कैसे उसने हमारे लिए इतना कितना कितना मांस जब पूरे पत्थर पता था। याद करो उसकी कुर्बानी को, हालेलुया। बैठ जाओ सब लोग, बैठ जाओ। जीवन में 100 गुना फल लेके आए, उसको सुने और उसको ग्रहण करें, जब हम उसके ऊपर हम चलने पाए। करो करो प्रार्थना कर रहे हो, फिर से वचन के लिए प्रार्थना करते हुए। आमीन, हालेलुया। आज का वचन पढ़ेंगे लूका उसका 23 अध्याय 39 से पढ़ेंगे 39। ध्यान से सुनना, जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं, तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांटकर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता, तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया। जब जब आप क्रूस की ओर देखते हो, आप अपने सामने देखो, क्रूस देख रहे हो नहीं देख रहे हो, दिख रहा है ना। जब जब आप क्रूस को देखोगे तो आपको कुछ याद आएगा कि इसके ऊपर कौन चढ़ाया गया था, कौन बलिदान किया गया था। हालेलुया। क्योंकि क्रूस की कथा, उसकी हिस्ट्री, उसकी स्टोरी आपको पता होनी चाहिए कि वो क्रूस किस चीज के लिए है। आज हम चर्चों के ऊपर या किसी स्कूल के ऊपर, हाँ, हम क्रूस लगा हुआ देखते हैं, देखते नहीं देखते, और वो क्रूस हमें दर्शाता है कि हमारा उद्धार करता इसके ऊपर लटकाया गया था। पर पुराने समय में जब हम जाते हैं, पुराने समय में क्रूस के ऊपर उनको लटकाया जाता था जो श्रापित होते थे, क्योंकि इसको, इस क्रूस की लकड़ी को श्रापित लकड़ी बोला जाता है, और जो जो भी इस क्रूस के ऊपर चढ़ाए जाते थे और वो बहुत ज्यादा श्रापित होते थे, मतलब वो व्यभिचारी होते थे या बहुत पाप करने वाले होते थे, हत्या करने वाले होते थे, वो ऐसे लोग होते थे, उनका दुनियादारी के साथ कोई मतलब नहीं होता था, बस उनको
गर्दने काट दी, किसी का कुछ गलत कर लिया, व्यभिचार कर लिया, ये चीजें वो डाकू लोग करते थे और उनको क्रूस के ऊपर चढ़ाया जाता था। हालेलुया। लिखा हुआ है वचन में, कह रहा श्रापित है वो जो लकड़ी के ऊपर चढ़ाया जाता है, मतलब ये लकड़ी श्रापित है। हालेलुया। आपने मूवी तो देखी होगी जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था, किस किसने देखी है वो मूवी अपने अपने फोन के ऊपर या टीवी के ऊपर, देखी है ना। और आपको पता जब उस क्रूस के ऊपर जिस जो भी वो प्रभु यीशु मसीह का जिसने कैरेक्टर निभाया था और जब वो क्रूस पर लटकाया गया था ना, और उसी समय उसको निमोनिया हो गया था, उसकी उसके फेफड़े सांस आने उसको बंद हो चुकी थी उसी समय। प्रभु यीशु मसीह के नहीं थे पर वो कैरेक्टर निभा रहा था। आज भी जब हम कोई प्ले देखते हैं या कोई ऐसा सीरियल देखते हैं जो प्रभु के ऊपर निर्धारित करता है, उसको क्रूस पे उसकी क्रूस की कथा दिखाई जाती है, क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया, कील ठोके गए, और उस समय भी वो अपनी वो भाई का मेरे को नाम नहीं पता है, वो फॉरेन का है, और वो अपनी टेस्टिमनी दे रहा था कि जब मेरे को क्रूस पे लटक मैं नाटक कर रहा था, वो फिल्म बन रही थी, मेरी शूटिंग हो रही थी, उसी समय मेरे फेफड़े रुक चुके थे और मेरे अंदर निमोनिया, मतलब डबल निमोनिया हो चुका था। एक तो सिंगल निमोनिया होता उसको डबल हो चुका था। और जब मैं बोला था कि जब मैं क्रूस पे चढ़ा हुआ था और मेरे को सांस लेना मुश्किल हो रहा था कि मेरे को क्या हो रहा, और मेरे मन में यह चीज आ चुकी जब मेरे को क्रूस से नीचे उतारा गया और मैं मेरे को पकड़ के उन्होंने उतारा और फिर हॉस्पिटल में लेके गए क्योंकि मेरी हालत चलने वाली नहीं थी। आपको समझ आ रहा नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? और उसके मन में एक ही चीज थी कि अब लगता मैं बचूंगा नहीं। आज किसी का सर दर्द हो या गले में दर्द हो या पैरों में दर्द हो, हां तो नानी याद आ जाती है। और आप सोच के देखो हमारा उद्धार करता जब क्रूस पे चढ़ाया गया उसके ऊपर क्या बीतरी होगी। हार्ट फटने को आ गया होगा, उसका दिल फटने को आ गया होगा, कितना दर्द सह रहा था वो अपने जिस्म के ऊपर। और मैं बात कर रहा था उस भाई की जिसने जिसको मूवी बनाई गई और क्रूस पे लटकाया गया और वो अपनी टेस्टिमनी दे रहा था, बहुत से हजारों लोग बैठे उनके सामने अपनी टेस्टिमनी दे रहा था, उसकी इंटरव्यू हो रही थी कि जब शूटिंग चल रही थी और मैं ऐसा बीमार हो चुका था, मेरे को डबल निमोनिया हो चुका था और मेरे मन में यही था कि बस अब मैं बचूंगा नहीं। उसने छोड़ दिया था अपने आप को, उसके मन में यह चीज आ चुकी थी कि जो भी इस क्रूस के ऊपर चढ़ता है वो खत्म हो जाता है। उसके मन में यह चीज आ चुकी थी उस भाई के मन में। मैं देख रहा था उसकी इंटरव्यू को, 20-25 मिनट आधा घंटे की उसकी इंटरव्यू थी उस भाई की, और वो धीरे धीरे करके रिकवर करना शुरू किया और वो ठीक हुआ। कहने का मतलब आप जब जब भी आज आप जो क्रूस देख रहे हो ना, ये मेरे प्रेयर वाले रूम से आया निकल के आज, आप लोग किस जॉब देख रहे हो उसको, ये मेरी प्रेयर रूम में रहता है ज्यादा समय, और आज प्रभु ने डाला मन में डाला कि इसको वहां पे लेके जाओ। और जब मैंने इसको उठाया अपने प्रेयर रूम से बाहर लेके आया ना, मैं आपको अपने बारे में बता रहा हूं कि मैं बिल्कुल फ्रेश था, सब कुछ सही था, और जैसे मैंने उठाया मेरी सारी बॉडी दर्द करनी शुरू हो चुकी थी। मैं अपनी वाइफ को बोल रहा हूं कि पता नहीं मेरे को क्या हो गया, और जब मैंने इनको बोला पता नहीं क्या हुआ मेरे को, वो स्टोरी याद आई जो भाई बता रहा था अपनी, जो मैंने इंटरव्यू देखी थी उस भाई की जिसने प्रभु यीशु मसीह का कैरेक्टर निभाया था, और वह मेरे को याद आ गया, और वो भी बोल रहा था कि मेरे साथ ऐसा हुआ। ऐसे क्रूस उठा के मैं बाहर रखी और उसके बाद मेरी बॉडी मेरी सारी पेन हो रही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं, और मेरे को उसी समय याद आया कि ये जो क्रूस है, ये जो लकड़ी है, ये श्रापित है, इसको उठाना कोई आसान बात नहीं है। हालेलुया। आपने वचन सुना, दो डाकू हैं, जब प्रभु यीशु मसीह को लटकाया गया क्रूस के ऊपर,
एक लेफ्ट और राइट में दो डाकू थे, और वो भी कहते अगर तू मसीह है, तू परमेश्वर का जन है, तो उसका पुत्र है, तो हमें भी बचा और खुद भी बच। आप सोच के देखो, उसमें एक डाकू इतना शातिर था, वो गाली गलौज कर रहा था प्रभु को, क्योंकि वचन में ये चीजें नहीं लिखी हुई। वो बहुत गंदे गंदे शब्द बोल रहा था कि लोग तेरे को कहते कि तू यहूदियों का राजा है, अगर तू यहूदियों का राजा है, अगर तू मसीह है, तो खुद भी बच जाओ तो और हमें भी बचा ले। और दूसरा वाला कह रहा है, जो थोड़ा नम्र था मन का, और वो कह रहा है शांत हो जा, चुप हो जा, कह रहा हमने तो इतने ज्यादा पाप किए हैं, हमने इतने ज्यादा अत्याचार किया है, कह रहा इसने क्या किया, इसके ऊपर एक भी लांछन नहीं पाया गया, एक भी इसके ऊपर ऐसा कोई झूठ नहीं पाया गया। आपको समझ आ रहा नहीं आ रहा? और वो कह रहा है, गाली गलौज कर रहा है उसको, साथ वाला, क्या कि तू मसीह का जन है, तू मसीह है, तो हमें भी बचा। यहां पे तो छोटा लिखा हुआ, वहां पे पता नहीं, सोच के जो कितनी बार वो बोला होगा, कितना कुछ बोला होगा उसको। हालेलुया। आज कई लोग कहते हैं कि मैं महान हूं, मेरे हाथों से ये काम होता है, मेरे पास इतना पैसा है, मैं अच्छी बुद्धि का मालिक हूं, अच्छी सोच का मालिक हूं, मैं महान हूं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप महान नहीं हो। हालेलुया। और वहां से कितने लोग खड़े थे जो उसके ऊपर थूक रहे थे, गंदगी फेंक रहे थे, चप्पलें फेंक रहे थे, जब वो क्रूस उठा के लेके जा रहा था रास्ते पे। और लोग प्रभु को कितना कुछ गलत बोलते होंगे उस समय पे, थूकते होंगे, गंदगी फेंकते होंगे, चप्पलें जूती फेंकते होंगे, और फिर भी प्रभु अपना क्रूस उठाए हुए जा रहा है अपना क्रूस उठाए हुए। उसका ध्यान किधर है? परमेश्वर की ओर। उसका एक ही फोकस है कि प्रभु ने जो मेरी ड्यूटी दी है मेरे को, वो मैंने पूरी करनी, निभानी है। आज हमें हमारे ऊपर एक घंटा बोझ आ जाए ना किसी चीज का, फाड़ला होना बड़ा बोझ हो गया, फाड़ला होना तुम फाड़ो, कितना पानी, कितनी भारी वो लकड़ी थी जिसको उठा के प्रभु लेके गए थे खुद वहां पे, और उसके ऊपर भी वो चढ़ाए गए। हालेलुया। और जो वहां पे लोग थे जो पकड़ के लेके आ रहे थे प्रभु को और कोड़े मार रहे थे, हाँ, उनको बहुत कुछ गलत बोल रहे थे, और जब उनके ऊपर हाथों में कील ठोके गए, उन लोगों ने कील ठोके हाथों में, और तब भी प्रभु क्या कह रहे हैं कि इनको पता नहीं है परमेश्वर, तू इनको क्षमा कर, तू इनको माफ कर परमेश्वर, इनको पता नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। कहने का मतलब कि प्रभु की दया देखो, उसके मन में कितनी दया है लोगों के लिए, कितनी दया है उसके उसके हार्ट में, जो कोड़े मार रहे हैं, जो कील ठोक रहे हैं उन्हें हाथों में पैरों में, हाँ, जो कांटों का तांज पहना रहे हैं, जो गलत कुछ बोल रहे हैं, उनको भी प्रभु कह रहे हैं कि प्रभु परमेश्वर इनको माफ कर, इनको पता नहीं है ये क्या कर रहे हैं। और लिखा हुआ है, जब मैं 40 पढ़ता हूं, दूसरे ने उसे डांटकर कहा, क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता? वह भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उसे कहा, मैं तुझे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया। और उन डाकुओं को प्रभु ने बोला कि तुम लोग भी मेरे साथ स्वर्ग में होंगे। इतना दयालु परमेश्वर है, उसकी उसकी दया बहुत ज्यादा बढ़ के रहे। आपको पता है ये आसमान का किनारा कहां है? किसी को पता है? नहीं पता है। तो आप सोचो कि हमारा परमेश्वर कितना बड़ा होगा। समझ आ रही नहीं आ रही है? सोचा करो ये मन में बातें कि धरती कैसे बनाई, ये पेड़ पौधे अपने अपने फल कैसे उगे, ये पशु जानवर कैसे, उसकी रचना की गई है, हमारी उसकी कैसी रचना की गई है। ये चीजें सोचा करो अपने मन में, जब प्रार्थना करते हो, प्रार्थना किया करो इन वर्ड को बोलते हो,
कितना कितना बड़ा आसमान बनाया, उसका किनारा ही नहीं पता किसी को कहां है। इतना बड़ा महान परमेश्वर होगा वो। देखो अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए भेजा उस परमेश्वर ने, क्यों भेजा? ताकि हमारा मेल मिलाप उसके साथ डायरेक्ट हो जाए। समझ लग रही नहीं लग रही आप लोगों को? हमारा मेल मिलाप उसके साथ डायरेक्ट हो जाए। आज परमेश्वर अपने दासों को खड़ा करता है, क्यों? अपना मेल मिलाप मजबूत करवाने के लिए प्रभु के साथ। मैं महान बात की बात कर रहा था पहले कि महान कौन है। मेरा यीशु महान है, उसके जैसा महान कोई नहीं हो सकता। आज हम कहते हैं वो महान है, वो डीसी है, वो ये है, वो है, वो महान बड़ा है, बड़ा बंदा। जी महान एक ही है, आपका और मेरा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह। आपकी तारीफ छोटी है, महान है परमेश्वर, उसके लिए तारीफ बनती है। तारीफ बननी होनी चाहिए आपको दो मिनट के लिए। हालेलुया। महान ही नहीं, महान है हमारा परमेश्वर, महान है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि चर्च में कोई तीन संडे या चार संडे आ गया और वो अभी भी वो प्रॉब्लम में है, फ्री होके गया है, हमेशा फ्री होके गया। कौन है हमारे बीच में ये काम करने वाला? प्रभु है, यीशु है। और उसकी हजूरी में आके कोई सेम क्यों नहीं रहता? क्योंकि हम अपने आप को उसके लिए अपने आप को पे करते हैं, तैयार करते हैं अपने आप को उसकी हजूरी को, उसकी सामत को लेने के लिए। हालेलुया। और रात में प्रार्थना कर रहा था अपने प्रार्थना रूम में, और प्रभु ने मेरे को बोला कि आने वाले समय में बड़ी बेदारी आने वाली है और लोग बचाए जाने वाले, अन्य जाति के लोग बचाए जाने वाले हैं बहुत जल्दी। मतलब जिन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि प्रभु हमारे जीवन में बहुत जबरदस्त काम करने करके दिखाने वाला परमेश्वर। बहुत से ऐसे जवान दर्ज मतलब जवान लोग हो गए जिनका अभी शादी नहीं हुई होगी, वो लोग परमेश्वर के दास बनने जा रहे हैं बहुत जल्दी। मेरे को प्रभु ने ये वर्ड बोले रात में, उसकी आत्मा ने मेरे से बात की है रात में कि ऐसे काम होने वाले हैं जबरदस्त वाले, मतलब चिन्ह चमत्कार तो ऐसे होंगे जबरदस्त। आप दांतों थरे उंगली रखा करो हैं, क्या बात है, कैसे ये कैसे हो रहा है, ये काम कैसे हो गया? मतलब जो चीज हमने कभी सोची भी नहीं है वो काम होने वाले हैं। प्रभु ने ये चीजें मेरे को बताई है रात में। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, प्रार्थना में जाओ। उस महानता को याद करो, प्रभु की महानता को याद करो, उस लकड़ी को याद करो जिसके ऊपर वो चढ़ाया गया। आज वो खाली है पर हम उसको याद तो कर सकते हैं क्योंकि इस दिन के ऊपर प्रभु को क्रूस पे चढ़ाया गया था। आमीन। हालेलुया। आपको पता जब पुराने समय में या अब भी अगर कोई पापी है तो परमेश्वर उसकी ओर मुंह नहीं रखता, फेर लेता है, अपनी पीठ फेर लेता है। आपको पता ये चीज? और आपको पता प्रभु ने ये चीज क्यों कही थी कि हे पिता अगर ये कटोरा टलना चाहे तो टल सकता है, हाँ, पर तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी मर्जी पूरी हो। और ये कटोरे, कौन सी कटोरे की बात की गई थी? क्या वो कोई ऐसा कटोरा था जिसको पीना था? वो कटोरा था जब प्रभु, आपको पता है कि जो पापी होगा उसके उसकी तरफ परमेश्वर कभी देखेंगे नहीं, उसकी तरफ ऐसे पीठ फेर लेंगे। पीठ कौन? यहोवा परमेश्वर की बात कर रहा हूं। परमेश्वर ने यह बात इसीलिए कही थी क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को यह चीज का पता था कि जब सारी दुनिया के पाप मेरे ऊपर आ जाएंगे तो प्रभु मेरे से पीठ फेर लेगा, परमेश्वर मेरे से पीठ फेर लेगा। और इस चीज को वो बोल रहा था कि ये कटोरा अगर चाहे तो परमेश्वर टल सकता है पर तेरी मर्जी पूरी हो। हालेलुया।
क्योंकि प्रभु पुत्र परमेश्वर है, जो जो पुत्रताई में चलते हैं, जो अपने आप को पुत्र रखते हैं, उनका परमेश्वर है, उनके साथ बात करता है, उसका आत्मा उनके साथ बात करता है। और प्रभु प्रभु यीशु मसीह के मन में यह डर था कि मेरा 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 परमेश्वर कहीं मेरी ओर से पीठ ना फेर ले, पर वो फिर भी कह रहा था कि प्रभु तेरी मर्जी पूरी हो। हालेलुया। और जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया गया था, चढ़ाया गया था, और उस समय भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ये चीज बोल रहे थे कि प्रभु तूने क्यों मेरी ओर से ध्यान हटा लिया। पता नहीं पता आप लोगों को, ये चीज बोला था नहीं बोला था प्रभु ने, ये चीज कि मेरी ओर से क्यों ध्यान हटा लिया। क्यों ध्यान हटाया? क्योंकि परमेश्वर को जो जिनके ऊपर पाप होता है या पाप आया होता है उनको पसंद नहीं है। और यहोवा परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह की ओर से पीठ फेर ली थी उस समय में। और वो कह रहा कि अगर ये कटोरा टल जाए तो टल सकता है, पर तेरी मर्जी पूरी हो। पिछले समय में जब मैं नया नया प्रभु में आया था और मेरे को प्रभु ने रात को वो चीजें भी याद करवाई कि अपने पुराने समय को याद कर, क्योंकि जब जब आप परमेश्वर में बढ़ते हो ना तो परमेश्वर का आत्मा जब आपसे बात करता है तो आपको पुराने समय में लेके जाता है कि कैसे तेरी स्टार्टिंग हुई, कैसे तूने अपने आप को पे किया, और उस पे करने को आप कभी ना भूलना। अगर आज आप पहले आप यहां थे, अब आप यहां पे हो ना, तो आप ये चीज कभी ना भूलना कि मैं आज ऊपर हूं। आपने उस चीज को याद रखना है हमेशा, नीचे वाली चीज को, कि मैं कहां से शुरुआत हुई, कहां से मेरी शुरुआत हुई, कहां पहले मैं कहां था, अब मैं कहां पे हूं। समझ आ रही नहीं आ रही है? और प्रभु मेरे को पुरानी जिंदगी याद करवा रहा है, मेरे को जो मेरी पुरानी जिंदगी थी, जब मैं प्रभु में नहीं था, मैं पाप में था, और जैसे प्रभु में आया, एक एक करते करते प्रभु का वचन बताता है, परमेश्वर का वचन बताता है, पुत्र बाइबल बताती है कि मैं तुमको अंश अंश करके तुमको बदल दूंगा। और वैसे ही मैं सोचता रहा, कितनी समय हो गया, सुबह हो गई, और मैं सोचता रहा, और उसमें मैंने सोचा कि देखो कितने कैसे कैसे प्रभु ने मेरे जीवन में चेंज किया धीरे 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 करके। हालेलुया। आपको समझ आ रहा नहीं आ रहा है? और वो आपकी लाइफ भी चेंज करेगा जब आप अंश अंश करके बढ़ोगे, जब रूह सच्चाई के साथ परमेश्वर की हजूरी में चलते रहोगे, तभी आपके जीवन में उसकी ग्रेस, उसकी सामत एंटर करेगी। और जब वो उसकी सामत एंटर कर जाएगी ना, फिर आप देखोगे कि आपके साथ परमेश्वर का आत्मा ऐसे बात करेगा जैसे एक दोस्त बात करता। हालेलुया। आज हर कोई उसके साथ बात करना चाहता है, पर उसको बात करने से पहले ये पता होना चाहिए कि आपको पे भी करना पड़ेगा अपने आप की बॉडी का। हालेलुया। पे भी करना पड़ेगा। प्रभु का वचन बताता है ना, वो अगर तुमसे प्रेम करता है, वो ताड़ना भी देता है, कोड़े भी लगाता है, और कोड़े भी लगते हैं हमारे ऊपर। वो डांट हो सकती है, वो बीमारियां, दुख हो सकते हैं, पर घबराना नहीं है उन दुखों से, क्योंकि हमारा यीशु भी दुखों से निकल के आज यहां पे पहुंचा है। हालेलुया। आप सोच के देखो, अगर वो दुख ना सहता तो आज हम सुरक्षित ना होते, अगर वो दुख ना सहता तो आज हमारे पास उसका आत्मा ना होता। आज जो उसका आत्मा हमारे बीच में मौजूद है, जो हमारे बीच में जुम्बश करता है, जो आप लोगों के लिए प्रोफेसिस होती हैं, आपको लेहन किया जाता है, और वो लेहन करना एक परमेश्वर का दास नहीं करता, उसका आत्मा आके आपको छूता है। हालेलुया। अगर वो हमारे खातिर मरता नहीं, कोड़े ना खाता, क्रूस पे लटकाया ना जाता, तो आज हम सुरक्षित ना होते, क्योंकि प्रभु जब प्रभु यीशु मसीह तीसरे मुर्दों में से जी उठे थे, और जी उठने के बाद जब वो चेले उसके पास जाते हैं और वो प्रभु को पता चल जाता है प्रभु यीशु मसीह को कि हाँ मेरा समय आ चुका है, मैं जाऊंगा, पर चेले बोले कि हे पिता, हे गुरु, अब तेरे जाने के बाद हम क्या करेंगे? और प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं अपने चेलों को कि मेरा पिता, जब मैं जाऊंगा, मेरा पिता मेरे नाम से तुमको पुत्र आत्मा भेजेगा,
और वो तुम्हारा अगुवा होगा। पुत्र आत्मा एक व्यक्ति की तरह है। आप करो प्रार्थना और कहो पुत्र आत्मा से कि हे पुत्र आत्मा, हे पिता परमेश्वर, अपनी आत्मा को भेज, मेरे ऊपर सांस ले। समझ आई नहीं आ रही है? हे पुत्र आत्मा, आज मेरे ऊपर आ और मेरे ऊपर सांस ले अपने, और आपको महसूस देगा उसका सांस लेता हुआ। हे पुत्र आत्मा, आज मेरे को अपनी प्रार्थना अपनी सामर्थ में भर, ताकि तेरी सामर्थ में भरूंगा और मैं प्रार्थना जबरदस्त तरीके से कर पाऊंगा, ताकि तेरे साथ मेरा मेल मिलाप हो सके। हालेलुया। जब जब आप प्रभु की महिमा के लिए मांगते हो तो परमेश्वर आपको देता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के साथ मांगते हो। हालेलुया। परमेश्वर ने कितना प्रेम किया हमको बना के, उसके बाद फिर उसने अपना इकलौता पुत्र हमारे बीच में भेजा, जिसको हम यहोवा परमेश्वर कहते हैं। हालेलुया। कलीसिया ने तो चलो कोई बात नहीं, आज कलीसिया कम आई है, कोई बात नहीं, बट टीम ही नहीं पूरी आई है। देखो कितना प्रेम है परमेश्वर के साथ हम लोगों का। बात करो उसके प्रेम को कि उसने हमारे लिए कितना बड़ा प्रेम बहाया। और मैं अपनी टीम की बात बता रहा हूं, टीम वालों में से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो प्रॉब्लम में नहीं था। और जब जब उनके ऊपर ले हैंड प्रार्थना हुई और वो फ्री हुए, चंगे हुए, और उनको भी पता कि उनके पीछे बैकअप है, सानू की जरूरत चर्च जान दी, बैकअप तो है ही है। सेल्फिश ना बनो, मतलब ही ना बनो, परमेश्वर ठड्डों में नहीं उड़ाया जाता। समझ नहीं आ रही है? परमेश्वर का वचन बताता है कि ना तो मैं किसी की अच्छी तरीके की ना कि किसी की बुरी तरीके की परीक्षा लेता हूं। परीक्षा परमेश्वर की ओर से नहीं होती, हम खुद अपनी अभिलाषाओं में पढ़ते हैं और परीक्षा में पढ़ते हैं। मतलब हम खुद इनवाइट करते हैं पाप को, हम खुद इनवाइट करते हैं व्यभिचार को, हम खुद इनवाइट करते हैं बुरे कामों को, फिर हम उन कामों में पढ़ के हम खुद उस अभिलाषा में पड़ जाते हैं और वो पाप हमारे अंदर जन्म लेता है, और जन्म लेके और वो फिर क्या होता है, एक दिन मौत आती है। बोला जाता है जब जब भी मेरे मुंह से ये चीज निकली ना, टीम ने आना ही आना है, टीम नहीं आती, वहां पे फंक्शन है। पर प्रभु का जहां पे नाम होगा ना, आपको समझ आ रहा नहीं आ रहा है? मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जो मतलब अभी गुनगुने हैं, क्योंकि परमेश्वर को गुनगुने लोग पसंद नहीं है। परमेश्वर का वचन भी जाता है, जब आप प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं, उसमें प्रकाशित वाक्य में बोला गया है कि हे परमेश्वर के जन, चाहता करना तो ठंडा हो जा और या हो जा गर्म, पर गुनगुना ना बन। आज प्रार्थना कर ली, कल ना की, आज चर्च आ गए, कल ना आए। उनका परमेश्वर नहीं है वो, परमेश्वर गर्म वालों का परमेश्वर। आप सोच के देखो, एक दिन ऐसी प्रार्थना बड़े जबरदस्त तरीके ना कर ली और दूसरे दिन सो गए, और प्रभु आपके पास आएगा, उसका दूत आएगा और बोलेगा आज क्या हो गया इसको, चलो ठीक है, चला जाएगा। फिर दूसरे दिन से जबरदस्त प्रार्थना की, फिर परमेश्वर का दूत आया, उसको सामर्थ दी, उसके ऊपर हाथ बढ़ाया, और फिर दूसरे दिन, तीसरे चौथे दिन की बात है, फिर सो रहा है। आज इसको क्या हो गया? फिर समझ आ रही नहीं आ रही है? ये शोर ऐसा ही होता है। जब जब आप आत्मा में अपने घर में प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर अपनी सामर्थ को भेजता, मतलब अपने दूत को भेजता है, और वो अपना हाथ बढ़ाता हमारे, हमें सामर्थ फील होती है, हम भरते हैं उसकी सामर्थ से, ताली बजाते हैं जोर जोर से, गैर जुबान में प्रार्थना और आराधना करना शुरू कर देते हैं। तो ये चीजें शोर ऐसे होती हैं, पर हमने गुनगुने नहीं बनना है। प्रभु का वचन बता रहा है, ज्यादा ठंडे हो जाओ ताकि मेरा ध्यान तुम्हारी ओर तो लगा रहे ना, कि हाँ तू तो ठंडा है, तेरे को क्या जरूरत है मैंने कुछ करने की। मैं उनको अपना मसा दूंगा जो गर्म है, जो अपने आप को हमेशा गर्म रखते हैं। हालेलुया। अब सोच के देखो, कल यहां पे मीटिंग हुई, लास्ट पुत्र प्रभु भोज की मीटिंग हुई यहां पे,
और बहुत आप लोगों से भी आधे 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 से भी कम लोग थे, 25-30 लोग होंगे बस, है ना, 40 लोग बस इतने होंगे। और हमने बहुत ज्यादा हवा चल रही थी, बेचारे बच्चे इधर कोई भाग रहे, कोई इधर भाग रहे थे टेंट को पकड़ने के लिए। इतना कुछ करने के बाद भी रात में हमने फिर 3 घंटे यहां पे प्रार्थना की। कौन कौन था रात में प्रार्थना के साथ मेरे साथ? आप सेम ही रहोगे, आपकी जीवन सेम ही रहेगा, आप बहुत बड़ी गवाही के साथ आने वाले। हालेलुया। अब सोच के देखो, क्या मैं थका नहीं हुआ था? मैंने रात में प्रार्थना की, यहां पे आने से पहले आपको पता है मैं रात में प्रार्थना पूरी फुल करके आता हूं। रात में प्रार्थना की, सुबह आके फिर यहां पे वचन किया, आराधना हुई, प्रार्थना हुई, सारे काम निपटाए और 5-6 बजे तक यहां मैं रुका और लोगों से मिला जिन्होंने मिलना था, मिलके गए मेरे को। और फिर घर में जाके 2 घंटे अपना फैमिली के साथ समय बिताया, उनके साथ बातें की और फिर रेस्ट नहीं की, फिर आके फिर इधर आ गया, फिर प्रार्थना में चले गए 3 घंटे के लिए। क्या है हम, क्या है हम? गर्म है तो वो गर्म वालों का साथ देगा या ठंडे वालों का साथ देगा? हाँ, आवाज नहीं आई। गर्म वालों का, उनको वो लोग पसंद है जो गर्म है, ठंडे पसंद नहीं है उसको। और वो देखता है कि तू गुनगुना ना बन के ना, इससे अच्छा तो जा ठंडा हो जा, मेरा ध्यान तो ये लगे रहेगा अब तो ये ठंडा है। गुनगुना होगा ना तब परमेश्वर अपना मन कभी बदलेगा, कभी उसकी ओर लेके आएगा। जब बंदा गुनगुना होता है ना, अगर आप अपने बच्चे को स्कूल में भेजते हो, वो अच्छे से पढ़ाई करता है या नहीं करता, आपके मन में होता है कि मेरा बच्चा अच्छे से नहीं पढ़ पा रहा है, इसको मैं ट्यूशन रख दूं। अगर वो बच्चा अच्छा पढ़ता होगा तो आपका मन कभी ट्यूशन की ओर नहीं जाएगा, आपको आपको पता होगा कि आपका बच्चा अच्छा पढ़ा करता है। उसी तरह परमेश्वर भी हमारी ओर देखते हैं कि ये अच्छे तरीके से मेरे में चल रहा है नहीं चल रहा है, या गुनगुना है या ठंडा है, क्योंकि तभी वो अपना मन बनाएगा आपकी ओर अपना हाथ बढ़ाने के लिए। समझ आ रहा नहीं आ रहा? वो तभी आपकी ओर हाथ बढ़ाएगा जब आपका मन परफेक्टली होगा ऐसे करके दंड वाला। और क्योंकि वो अपना मन बना चुका है, क्या आपने अपना मन बनाया है नहीं बनाया, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपका समझ आ रही नहीं आ रही है? मेरा प्रभु और आपका प्रभु मन बना चुका है आपको मसा देने के लिए, आपको ग्रेस देने के लिए, पर अब हमें तैयार होना पड़ेगा। हमें ठंडा नहीं और ना ही गुनगुना, हमें गर्म होना पड़ेगा यीशु मसीह के नाम, गर्म होना पड़ेगा। क्योंकि वो गर्म वालों का परमेश्वर, वो ठंडो वालों का परमेश्वर नहीं है। जो गर्म है, जो आत्मा में गर्म रहते हैं, ये उनका परमेश्वर है। हालेलुया। मैं प्रार्थना की बात कर रहा हूं, जो प्रार्थना आराधना में चलते हैं वो गर्म रहते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। ये नहीं कि हाँ आपने कमरा बंद कर लिया और जाई जू ले ली ऊपर अभी गर्म हो जाओ, वैसे गर्म होने की बात नहीं कर रहा हूं मैं। ध्यान से, प्रार्थना आराधना में गर्म होने की बात कर रहा हूं। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, आंखें बंद करो और पिता जो भी मैंने सुना है कि मेरे जीवन में फल लेके आए, किस श्रापित लकड़ी को और मैं याद करते हुए उसको देखता हूं परमेश्वर, और मैं जानता हूं मेरे पिता जब जब मैं उसको देखूंगा और मैं आशीष पाऊंगा, तेरी बरकत पाऊंगा, तेरे मसे को पाऊंगा, और मैं गुनगुना नहीं ना ही ठंडा, और पिता मैं गर्म रहूंगा, प्रार्थना आराधना में हमेशा बना रहूंगा। आपके मुंह खुले होने चाहिए कि पिता जो भी मैंने सुना है मेरे जीवन में फल लेके आए। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। आमीन। हालेलुया। रात में यहां पे वचन हो रहा था,
मन में परमेश्वर में डाला, प्रभु ने डाला था कि एक वचन किया जाए। रात में जब प्रार्थना हो रही थी, वचन करना नहीं था पर प्रभु ने मन में डाला, और वो कौन सा वचन था? उसमें बोला गया था, लिखा गया था कि हे मेरे धन्य लोगों, हम लोगों को बोला कि हे मेरे धन्य लोगों, जो भेड़े हैं वो दाहिने हाथ में हो जाओ और जो बकरियां हैं वो बाएं हाथ हो जाओ। ये उन लोगों की बात की गई है जो भेड़ों के समान चलते हैं, और बकरियां उनको बोले गया है जो जो कभी कहीं पे चले जाता, कभी कहीं पे चले जाना, कभी कहीं पे चले जाना। हाँ, क्योंकि जो भेड़े होती है ना, अगर आप भेड़ों की ओर देखो, जो भेड़े होती हैं वो अपना चरवाहे की ओर डिपेंड रखती हैं, चरवाहे के ऊपर डिपेंड रखती हैं वो। जो बकरियां होती हैं ना वो चलाक होती हैं, अपना अपना चारा वो ढूंढ लेती हैं और खा लेती हैं कहीं ना कहीं जाके, चाहे वो कहीं पहाड़ पे चढ़ना हो हाँ, या किसी पेड़ के ऊपर चढ़ना, वो चढ़ जाती हैं अपने आप ही। और जो भेड़े होती हैं वो शांत सुबह से खड़ी रहती हैं और अपने चरवाहे की ओर देखती है कब चरवाहा हमें लेके जाएगा और हमें हमें चरवाएगा। हालेलुया। और ये चीज आप याद रखना कि प्रभु आपको नाम ले लेकर बुलाएगा जब वो आएगा। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? और नाम उनके बुलाएगा जिनके जीवन में पुस्तक पुस्तक के नाम लिखे होंगे, क्योंकि जीवन की पुस्तक में नाम लिखवाने वही हो सकते हैं जो अपनी आत्मा को बचाएगा और अपने आप को गर्म रखेगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने उस समय भी ऐसे ही बोलना है कि हे मेरे धन्य लोगो, जो मेरी भेड़े हैं वो दाहिने हाथ में आ जाएं, जो बकरियां हैं वो बाएं चले जाएं, क्योंकि बाएं कौन जाएंगे? जो नरक होगा उसमें जाएंगे और दाएं वाले स्वर्ग में रहेंगे। भेड़े बनना है हमने, बकरियां नहीं बनना। हालेलुया। समझ लग गई? हमारा चरवाहा प्रभु यीशु मसीह है, और जब वो हमारी चरागाही करेगा तो हमें किसी चीज की थोड़ने रहेगी। आमीन। हमें किसी चीज की थोड़ना रहेगी फरिश्तनासी के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर को ब्लेस करे आज के वचन के द्वारा। तारीफ करते हैं प्रभु की महिमा के लिए, जो भी हमने सुना हमारे जीवन में फल लेके आए। आज की मीटिंग, आज की प्रार्थना, आज की आराधना हमारे जीवन में बहुत बड़ा फल लेके आए। आपको गॉड ब्लेस यू बोलता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और आपको पता है कि एक दिन, कल का दिन में उसके बाद ईस्टर है, जो कि हम बड़े अच्छे तरीके से मनाएंगे यहाँ पे। तो आप सब लोग तैयारी के साथ आना, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, जानकारों को, सबको लेके आना अपने साथ, ताकि प्रभु की महिमा अच्छे तरीके से करने पाए। हालेलुया। देखो ये क्रूस अब खाली है, इसके ऊपर प्रभु नहीं है। वो हम उसको याद करते हुए, उस वर्ड को, उस दिन को हम याद करते हुए, उस रीति को पूरा करते हैं। हालेलुया। समझ आ रही नहीं आ रही है? पर जो जो क्रूस पे चढ़ाया गया वो श्रापित है। आज जब मैंने सुबह क्रूस उठाया, अपने प्रेयर रूम से बाहर लाके रखा, और मेरा शरीर सारा बॉडी दर्द कर रहा था, पता नहीं क्यों। कभी नहीं हुआ मेरा ऐसा, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, पहली बार था ऐसा। और जब मैंने, मेरे को याद आया कि हाँ, उस भाई की मैंने टेस्टिमनी को याद मेरे मन में उसी टाइम आया कि हाँ भी, ये इसको उठाना कोई आम बात नहीं है, बहुत आपको सामा चाहिए इसको उठाने के लिए। हालेलुया। मेरे को नहीं पता उसके बाद जो लोग यहाँ पे लेके आए वो ठीक है या कैसे हैं, पर मेरे को, मेरा, मैं अपना हाल बता रहा हूँ। जो घर से यहाँ पे इसको उठा के लेके आए उनका पता नहीं क्या हाल है, पर मेरे को मेरा हाल पता है कि मैं मेरा हाल उस टाइम क्या हो गया। 15-20 मिनट मेरा पूरी बॉडी में पेन हो रही थी, दर्द हो रहा था, उसके बाद ठीक हो गया। हालेलुया। आप तैयार हो ईस्टर सभा के लिए? तैयार हो? आज परमेश्वर आपको कुछ दे के जाएगा आज प्रभु, सच में कह रहा हूं। मेरे को परमेश्वर आत्मा बोल रहा है आप लोगों के लिए, मैं छूंगा आज, आप लेहन करूंगा आपके ऊपर में आज। हालेलुया। अपने अपनी जगह पे खड़े होते हैं सब लोग, अपने आपको तैयार करो उसकी महिमा के लिए, उसकी हुजूरी में, अपनी बॉडी को, उसको, उस हाथ को ग्रहण करने के लिए अपने आप को तैयार करो, उस सामत को लेने के लिए अपने आप को तैयार करो। तैयार करो अपने आप को कि पिता, जब तेरे दास का मेरे सर के ऊपर हाथ आए और तेरा हाथ हो मेरे परमेश्वर,
तैयार करो अपने आप को, क्योंकि हर एक चीज के लिए तैयारी होती है। जलाली हाथ मेरे सर के ऊपर आए, तेरी दाहिनी हर की दया मेरे ऊपर आए, परमेश्वर को पापी लोग पसंद नहीं है। अगर आज भी आप पाप में हो तो मन को फेर लो, सोच के देखो प्रभु की ओर। उसका इकलौता पुत्र होने के द्वारा भी, वो इकलौता पुत्र था परमेश्वर का, तब भी परमेश्वर ने उससे मुंह फेर लिया था। समझ लगी नहीं लगी? भेद है। इकलौता पुत्र होके भी उससे भी पीठ फेर ली थी अपनी, तो हम कौन से बचा रहे हैं, हम किसके बचा रहे हैं फिर? ये सच्चाई है। पाप से फेर मन फेरना पड़ेगा अपने आप को। अगर आज आपका मन भटक रहा है, आपका मन इधर उधर डोल रहा है, तो उसको स्थिर करो, स्थिर स्थिर, बिल्कुल सीधा अपने मन को स्थिर करो। और नहीं स्थिर हो रहा है तो प्रभु से मांगो कि परमेश्वर मेरे मन को स्थिर करने वाला आत्मा दे, मेरे को नए सिरे से मेरे को नया आत्मा दे, ताकि जो मेरी हड्डियों में बेचैनी, मेरे मन में बेचैनी है, मेरा मन इधर उधर भटकता है मेरे परमेश्वर, उसको मैं कंट्रोल करने पाऊं। समझ आ नहीं आ रही है? क्योंकि अब समय बहुत नजदीक है। जानते प्रभु है, पर वो अपने दासों के ऊपर अपनी आत्मा के द्वारा जाहिर कर रहा है ये चीजों को। हालेलुया। तो अपने मन को फेरो, अपने मन को चेंज करो, पश्चाताप करो, रिपेंट करो, ताकि हम परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य के अधिकारी बन सके। आमीन। अपने हाथों को उठाओ और वर्शिप में चलते हैं। थैंक यू जीसस। तेरे ना तू डरी घबराई, नाल मैं तेरे ना तू डरी घबराई, सानू कहीं जाता है सुली तो वेदा तेरा लू शिफा सानू दे जाता है, सुनियो तो वेदा तेरा लू शिफा सानू दे, तो वेदा तेरा लू
Oh,
I'm not afraid.
सामर्थ्य से भरना चाहते हो? कौन कौन उसको महसूस करना चाहता है उसकी सामर्थ्य? हाँ, तो समर्पित कर दो अपने आप को। देखो देखो अभी जब अब हम इसके बाद जब आपका गैर जुबान के वर्ड आप सुनोगे, जब यहां से कमांड किया जाएगा, आपको सामर्थ्य को छुएगी, टच करेगी, आप खुद जिन लोगों के पास गैर भाषा नहीं उनको गैर भाषा मिलेगी इस प्रार्थना के द्वारा। तैयार करो अपने आप। थैंक यू जीसस। रिखे लो बोरोखो नंबा बाबा रखा नंबरियंदर बरा खंडरिया रसुकलो रिखले रो बोरोखो तसीबिया नंबरियंदर बरा खंडरिया रसुकलो रस नहीं रखो ला सकारो बामी का रखूंगा तसीबिया रखलो रो बो रखा नंबरियंदर बरा खंडरिया रसुकलो बाकम रखले रमियारा पर तारीखो री बाबा बरा खासा रिपो वो उसका आत्मा को छुड़ा शुरू हो चुका है। यहाँ पे कोई ऐसी बहन है जिसके बॉडी के ऊपर मतलब दाग पड़ते हैं रेड रेड डार्क डार्क कलर के? कौन है वो? रात में होता है उसको। आपको है? कब से हो रहा है ऐसा आपको? कितनी देर से हो रहा है? पांच महीने हो गए। और आपको? एक महीना हो गया। मतलब ये रात में पढ़ते, सुबह आप जब उठ के देखते हो और आपकी बॉडी के ऊपर कोई ना कोई दाग पड़ा होता है, डार्क डार्क ब्लू कलर का या रेड कलर? ब्लैक कलर का हो जाता है। ब्लैक कलर का हो जाता है, पहले रेड होता है फिर ब्लू फिर ब्लैक हो जाता है। हां जी बाबा। अपने हाथ उठाओ, आपके ऊपर शैतानी अटैक हो रहे हैं और आज आप फ्री होके जा रहे हो। थैंक यू मोत्र आत्मा। फसल दी जाना नाल हाँ तेरे डरी खबरें नाल हाँ तेरे ना तू डरी खबरें सनू के
तेरा लो या जो लेफ्ट या राइट कौन है? आधा सर, कब से है ये? काफी साल हो गए, पर ये हट जाता है फिर होना शुरू हो जाता है। आपने डॉक्टर को चेक करवाया? करवाया नहीं कभी, ऐसी सहते रह रहे हो कि बस कोई बात नहीं हट चल। तेरे ना तो डरे खबर सानू के जांदा है उसके बाद आपका दम जा रहा है। आपको कितनी देर से दम? बहुत देर से। कितने, एक साल हो गए, दो साल हो गए, ज्यादा हो गए? नौ साल। आधा दर्द हो रहा सर। आपने दवाइयां खाई? खाई है दवाई? कोई फर्क नहीं पड़ा? फिर होने शुरू हुए? अपने हाथ उठाओ, क्या क्या होता है? हर वो बंधन, हर वो गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा जो उस पैर के ऊपर काम कर रही है, मेरे बिना वो छोड़ के जाती रही। सुली उते मोया सब मेरी अंख तारे, माफ सब किताए हो तेरी वफा। अभी तीन चार दिन हुए हैं, मतलब आधा सर दर्द होता है एक साइड में। हाथ उठाओ। ओके, डिप्रेशन, डिप्रेशन का प्रॉब्लम है आपको? हाँ, अब डिप्रेशन बढ़ रहा है आपके ऊपर। हाँ, ठीक है, ठीक है। सुलिए तो वेदा तेरा लो होल कर पुत्र आत्मा, हील कर, होल कर, शिफा सानो दे चंदा है इसकी लाइफ में फलवंत होते हुए देख रहा हूँ। लेहर के द्वारा ये भाई बड़ी गवाही के साथ आ रहा है, इसकी लाइफ ब्लेस होने जा रही है बहुत जल्द। कभी हाफ होता है, कभी पूरा होता है। मेरे सारे माफ कर मीनाक्षी, मीना करके ऐसा करके नाम किसका है? एम से नाम किसका यहाँ पे? एम आपके घर का, घर में किसी का है तो बताओ। हाँ पापा जी, ओदे ना रसोलियां दसी दी है, पर ओ ना कुछ दिन तो ना आई नहीं करदी चर्च विच, पता नहीं की गल। आपने प्रार्थना की थी क्या आज उसके लिए?
आज की थी पापा जी। क्या नाम है उसका? मीनाक्षी। यस वाओ, वो जो मार पापा जी वो आए नहीं करते। आपने प्रार्थना की थी ना यहाँ पे आज? हाँ जी। उसके लिए? हाँ जी। मैं क्या कह रहा हूँ, मीना मीनाक्षी करके कुछ नाम है उसके ना पापा जी। यार क्या आपने मेरे को नाम बताया था उसका? नहीं पापा जी मैंने नहीं। ओह जीसस, आप पर सॉरी क्या करना, पर सॉरी इसकी गायब हूँ। आमीन। इसका हाथ पकड़, दाहिना हाथ पकड़, पकड़ है जैसे शेक हैंड करते हैं वैसे कर। सुलियो तो वेंदा तेरा लहू। सुनो बहन उठो उठाओ उसको। तो और से मधुर ने छुआ हाँ? हाँ जी पापा। इसी हाथ के द्वारा तो अपनी बेटी को छूना जाके। ठीक है पापा। और जैसे छुएगी उसके लिए सॉरी गैप हो जाए। पापा जी मेरा पेट है ना 4-5 महीने तो बहुत बीमार। वो प्रॉब्लम नहीं है, कोई बात नहीं है। ना तू डरी खबर आई सानू कई जानदा है। कोई बहन है यहाँ पे जिसको रेड कलर से डर लगता है, रेड रेड कलर जब भी उसको मतलब सपने भी उसको रेड रेड दिखता है। क्या है वो रेड रेड चीज, कुछ उसको रेड रेड करके दिखता है। मेरे को खुद नहीं समझ आ रही क्या वो ब्लड हो सकता है या कोई कपड़ा हो सकता है। बहन है वो, भाई नहीं है। बहन को ऐसा होता है रात में सपने में रेड रेड करके कुछ दिखता है आपको, वो ब्लड हो सकता है या कोई कपड़ा हो सकता है। और जब भी वो दिखता है ना उसके बाद आपकी लाइफ डिस्टर्ब होती है। आप यहाँ पे मौजूद हो, देखो कौन है वो, अपने आप को चेक करो। मेरे को पुत्र आत्मा बोल रहा है ये चीज, रेड रेड कलर आपको दिखता है उसके बाद आपकी लाइफ डिस्टर्ब होती है। थैंक यू होली स्पिरिट। सुनियो तो वेंदा तेरा लो। ऐसा हो नहीं सकता है, पुत्र आत्मा बोले और होना, ऐसा हो नहीं सकता। मेरे पिता को बुद्धि देना और उनको गुप्त में क्षमा करना। थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठाओ, लास्ट प्रार्थना में चलते हैं। थैंक यू पुत्र आत्मा, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। हिलाओ हिलाओ अपने हाथों को, थैंक यू स्पिरिट बोलो। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू पुत्र आत्मा, थैंक यू जीसस। आज की सुपर गुड फ्राइडे के लिए, इस गुड फ्राइडे की मीटिंग के लिए, थैंक यू जीसस। Thank you, Jesus. किसी की बॉडी के ऊपर एलर्जी देख रहा हूं मैं, पता नहीं भाई या बहन है। वो अंडर आर्म मतलब हमारे यहाँ पे अंडर आर्म में उसकी एलर्जी ज्यादा रहती है। किसको है? आर्म में, हाँ काफी दिन से ये एलर्जी ना। हाँ जी, हाँ जी। आपने मेडिसिन ली इसके लिए? ली, कोई फर्क नहीं पड़ा। अभी भी है प्रॉब्लम ये आपको? है। कभी चले जाती आ जाती है या लगातार है? नहीं लगातार। हाँ लगातार नहीं, कभी आ जाती है कभी चले जाती है, है या होती? यहाँ पे ही प्रॉब्लम है दोनों दोनों साइड? यस दोनों साइड में। थैंक यू जीसस। छूता मेरे पिता ने हाथ दे भाई। थैंक यू जीसस। पहले आपके लिए फिर इनके लिए। yes. आप सोचो आपको प्रभु कितना प्रेम करता दोनों। yes. से ये आपके पति हैं? अच्छी चीज। कितना अच्छा लग रहा है ना, पर्दे नहीं लगे हुए, कितना अच्छा लग रहा है ना, खुला खुला सा। हालेलुया। और ऐसा ही प्रभु का घर होगा, खुला खुला फल लगे हुए, ऐसा ही प्रभु का घर होगा। खुले में सब कुछ आनंद मनाते हुए, खुली हवा होगी, ठंडी ठंडी हवा होगी, आनंद आनंद होगा वहां पे। और ना तो यहाँ पे कोई टेंशन होगी, ना कोई दुख होगी, ना कोई तकलीफ होगी, ना खाने का डर, ना कोई पहनने का डर। हाँ आनंद ही आनंद होगा आपके ऊपर। आप लेना चाहते हो उस आनंद को? तो अपने आपको तैयार करना पड़ेगा। तैयार करो अपने आप को और उसके लिए तैयार, क्योंकि जब वो आएगा आपको नाम ले लेके बुलाएगा, चल मेरे बेटा चल मेरी बेटी आज आप तेरा समय आ चुका है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, लास्ट प्रार्थना में चलते हैं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, तेरे मार खाने तेरे कोड़े खाने से मेरे पिता आज हम चंगे हो चुके हैं।
मेरे पिता ये तेरा वचन बताता है, तेरा पुत्र वचन बताता है, सब मट्ठी पिता तेरे मार खाने तेरे कोड़े खाने सब चंगे हो चुकी। खुदावा परमेश्वर जितने भी जन तेरी हजूरी में है इनको छुआ गया मेरे पिता, मैं जानता हूँ मेरे सामर्थ्य पिताजी तेरी आत्मा के द्वारा हुआ, क्योंकि मेरे पिता हमारी योजना हमारे मूल बोले वर्ड व्यर्थ हो सकते हैं, पर जब तेरी पुत्र आत्मा की सामर्थ हमारे ऊपर उतरती है मेरे पिता, सब वर्ड मेरे पिता 101% पूरे और सच होते हैं परमेश्वर से। मेरे खुदावा परमेश्वर के जीवन में तेरी अद्भुत ज्योति और मेरे पिता काम करने, खुदावा परमेश्वर जो भी अंधकार की शक्तियां इनके जीवनों में दुख दर्द तकलीफें मेरे पिता इनका हिस्सा बनी है, आज वो हिस्सा यीशु नासरी के नाम में जाता रहे। इनके घराने में, इनके बच्चों के, इनके लाइफ में, इनके फाइनेंशियल लाइफ में मेरे पिता परमेश्वर तेरी अद्भुत ज्योति एंटर करे सामर्थ्य पिता। हर वो गरीबी की प्रॉब्लम प्रभु यीशु तेरे नाम से जाती रहे, हर वो कर्जे की गंदी आत्मा प्रभु यीशु तेरे नाम से जाती रहे मेरे पिता। हर वो मेरे पिता जो भी प्रभु यीशु मसीह के घर में कमी घटी है मेरे पिता, आज के बाद हर कमी घटी प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम से जाती रहे। हर वो फाइनेंशियल की प्रॉब्लम प्रभु यीशु तेरे नाम से जाती रही सामर्थ्य पिता परमेश्वर, और तेरे नाम में ये बड़े फले फूले मेरे पिता बड़ा फल लेके आए, क्योंकि तेरा वचन बताता है कि धर्मी जन की प्रार्थना बहुत बड़ा प्रभाव लेके आती है मेरे पिता। तेरा धर्मी जन तेरा दास होने के नाते सामर्थ्य पिता मैं प्रार्थना करता हूँ ये प्रार्थना आपके स्वर्गीय भंडार में सुनिए कबूल की जाए पिता, प्रभु यीशु मसीह नाम में मांग लेते हैं। पिता परमेश्वर का प्रेम प्रभु यीशु मसीह का फजल और पुत्र आत्मा की सहभागिता अब से लेके आने वाले आखिरी टाइम तक होती रहे। जोर से हालेलुया बोलते हैं, बार बार हालेलुया बोलो, अलग अलग हालेलुया, अलग अलग हालेलुया, अपना अपना हालेलुया बोलो। पता नहीं परमेश्वर मेरे मन में डाल रहा है कि किसी को गुप्तांग में इन्फेक्शन रहती है, गुप्तांग में पता नहीं मेरे को भाई या बहन आगे आए, क्योंकि वो छुटकारे का समय है, ये लास्ट प्रार्थना भी हो चुकी है फिर भी प्रभु आपको हील करना चाहता है। आपको गुप्तांग में मतलब एलर्जी रहती है, पड़ रहा है ओके, अभी भी प्रॉब्लम है आपको ये, अपने हाथ उठाओ, एक ऑयल लेके आना, मेरा ऑयल देना, देखो लास्ट प्रार्थना होगी फिर भी प्रभु हील कर रहे हैं आप लोगों को, मुख होना बहन अपना, ऑयल थोड़ा पीना पड़ेगा आपको। अच्छा थैंक यू पुत्र, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हर वो एलर्जी, हर वो गुप्तांग की प्रॉब्लम प्रभु यीशु से तेरे नाम से जाती है, मैं देख रहा हूँ उसको हील होते हुए बहन को। यस 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 यस, आप भी मुख खोलो, खोलो खोलो खोलो, आप लोग मिस ना करना ईस्टर प्लीज, एक एक जन को गिफ्ट मिलेगा मेरी ओर से, क्योंकि जो प्रभु ने आप लोगों के लिए बोला है वो मेरे को प्रभु दे चुके हैं, वो गिफ्ट आपको मैं ईस्टर को ही बोलूंगा बताऊंगा और मिलेगा आपको, बोलने का नहीं है वो देने का है, वो आपको मिलेगा। हालेलुया, तो आप लोगों ने मिस नहीं करना है, और जैसे वो आपकी लाइफ में एंटर करेगा और अब देखना क्या होगा आपके जीवन में। हालेलुया, क्योंकि जब जब वर्ड बोले जाते हैं कि गिफ्ट मिल रहे हैं तो आपके जीवन में फिर गिफ्ट आता ही आता है फिर। हालेलुया, वो चीजों का हो सकता है, आपके स्पिरिचुअल लाइफ का हो सकता है, कोई भी बड़े काम का हो सकता है। हालेलुया, और एक चीज ध्यान रखना, कल भी वचन किया था कि अगर आप कोई भी बड़ा फैसला लो, उस बड़ा फैसला लेने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके साथ प्रभु यीशु मसीह है या नहीं है। अगर वो नहीं है तो आपका फैसला लिया हुआ बड़ा छोटा हो सकता है, व्यर्थ हो सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है। समय लगी नहीं लगी? हालेलुया, जितने लोगों के लिए प्रोफेसी हुई है ये श्योर है कि आप चंगे हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम। मैं कह ये श्योर है। मैं एक बहन देख रहा हूँ जिसको बेबी की जरूरत है, कौन है बहन आगे आए, मैं अपनी आत्मा में सेंस कर रहा हूँ उसकी, उसकी अंदर से चल रहा है कुछ। हाँ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, देव पिता तेरी महिमा के लिए मांगते मेरे पिता इन बहनों को, थैंक यू जीसस, थैंक यू पुत्र आत्मा, भर दे मेरे पिता इनकी झोली तेरे नाम से मेरे पिता।
आज भी तो अपने दासों के बीच में के फलों को मेरे पिता देता है। मेरे पिता इस बहन के प्रवेश से फलों को भर दे। हर वो मुर्दा चीज, हर वो सूखी चीज जो बॉडी में है मेरे पिता, हरी हो जाए आज, हरी भरी कर दे मेरे परमेश्वर। क्योंकि तूने वचन में बोला है कि मैंने तुम्हें चुना है, ठहराया ताकि तुम फल लेके आओ। मेरे पिता ये बहन आज के बाद फल लेके आए तेरी महिमा के लिए। थैंक यू जीसस। कितना समय हो चुका है बहन आपको? 4 साल मैरिज हुआ। एक बार प्रेग्नेंट हुए? नहीं हुए। नहीं, एक बार भी नहीं हुए। नहीं, कहां से आए आप? प्रेमनगर। ये प्रेमनगर से है। आपको लगातार चर्च में आना होगा अगर आप चाहते हो। अपने हाथ उठाओ, दे पुत्र आत्मा इनको भी आज फल। थैंक यू होली स्पिरिट। जो भी दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा इनके पीछे पड़ी है, इनके मन को भटकाती है, बेबी ब्लेसिंग नहीं लेके आने देती, मेरे पिता आज वो चाहती रहे। और ये इनके हर वो मुर्दा चीज, हर वो सूखी चीज मेरे पिता तेरे नाम से आज हारी हो जाए। थैंक यू होली स्पिरिट। थैंक यू होली स्पिरिट। थैंक यू होली स्पिरिट। थैंक यू पुत्र आत्मा। बहन आपका पेट हिल रहा है? हाँ, इससे पूछ कर देखो, इसका पेट हिल रहा है अंदर से। ओह जीसस, अपनी आत्मा में देख रहा हूं इस बहन का पेट हिल रहा है और परमेश्वर हील कर रहा है इसके पेट को। ओह यस 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 यस, थैंक यू जीसस। ईमानदार वफादार हो जाए। दे दो है दुवाचना देता है। क्या हो रहा था आपके? हिलन दे आ ही। हाँ, हिलता पे हम। अच्छा, पेट हिलना मतलब दूध छू रहा है इनके पेट को अब। हाँ, वो आपके अंदर से हील कर रहा है आपको। हालेलुया। सुनो बहन, पहले आप बपतिस्मा लेना आपने। हाँ, पहले अपना अपना जीवन प्रभु को देना है। हाँ, जैसे बपतिस्मा लोगे शोर है कि आप बेबी के साथ आओगे। आमीन। तो मैं छोटे बच्चों को छूऊंगा फिर से। आपने अपने बच्चों को साथ में लेके मिस नहीं करना है, ये ईस्टर मिस नहीं करना। आप लोगों के लिए बहुत कुछ रखा हुआ है ऐसे ईस्टर में। आप अपने छोटे बच्चों को लेके आना है। मैंने पुलपट के ऊपर बुला के उनको लेहन करूंगा, क्योंकि प्रभु मेरे को बोल रहा है कि छोटे बच्चों को ब्लेस करना। इसका मतलब उनके ऊपर प्रभु की कोई योजना है। समझ लगी नहीं लगी? इसका मतलब प्रभु की योजना उनके ऊपर कुछ ना कुछ, वो बनेंगे बड़े होके परमेश्वर के काम करेंगे। आप अपने बच्चों को साथ लेके आना है। हालेलुया। बच्चों का सेक्शन एक अलग बनाना है, बच्चे अलग से वर्शिप करेंगे, ठीक है? समझ लग गई? अपने बच्चों को एक अलग से वर्शिप वाला सेक्शन बनाना, उसमें अलग वर्शिप करेंगे, वो आनंद करेंगे वो, ठीक है? एक अलग सेक्शन बनाना, चाहे रस्सियां लगा के बनाना, पर बनाना जरूर। बच्चों का अलग से सेक्शन हो और बच्चे अपना अलग से आराधना और प्रार्थना करेंगे, देखना उसे। हालेलुया। और कोशिश करना अपने बच्चों का अगर आप वाइट ड्रेस डाल के लेके आओ तो अच्छा है। वाइट ड्रेस। हालेलुया। और आप खुद भी वाइट ड्रेस पहन के आना अगर आपके पास है तो। अगर आपके पास है तो सब लोग वाइट ड्रेस पहन के आएंगे। हाँ, और झूमेंगे, गाएंगे और प्रभु के नाम की महिमा गाएंगे। हालेलुया। God bless you all. परमेश्वर को ब्लेस करें। यीशु दा प्यार कितना है महान। आनंद में, आनंद में। यीशु दा प्यार कितना है महान। यीशु दा प्यार कितना है Yeah.
महा